हेलो माय डियर लवली बेबीज, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत खुश होंगे, है ना? वेल बेबीज, हम क्या कर रहे थे? मुनीश एट स्कूल का चैप्टर हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, हमने एक्सप्लेनेशन को समझा था और ये सारी स्टोरी हमको बहुत अच्छी तरह से लर्न भी हो गई, है ना? लर्न होने का अर्थ ये है कि आपको अब पता है कि मुनीश क्या करता था, कब करता था और उसके साथ स्कूल में क्या क्या होता था, राइट? फिर वो घर आता था और घर पर रेस्ट करके होमवर्क करके खेलने जाता था। तो भाई हमको पूरी स्टोरी अच्छी तरह से पता है। अब हम करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज का वर्ड पावर, क्योंकि हमने ये वाली चीज़ें तो कर ली थी, एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड 4, है ना? अब हम क्या करेंगे? वर्ड पावर मतलब अब हम शब्दों के बारे में सीखने वाले हैं, हमारी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो शुरू करें? यस, शुरू करते हैं। भाई हमको करना ये है कि अब हमको मैच करना है। मैच मींस मिलाना। मैच द वर्ड्स, शब्दों को मिलाइए विथ देयर अपोजिट्स। अपोजिट्स मतलब उल्टे पुल्टे, देयर मतलब उनके और विथ मतलब साथ में। तो शब्दों को उनके अपोजिट्स के साथ में मिलाइए। ओके, ये हमने सेंटेंस समझ लिया, इंस्ट्रक्शन हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट है सिट, SIT, सिट। सिट मीन्स बैठना। और उसका अपोजिट क्या है? ये तो पहले से मैच है, स्टैंड। सिट मीन्स होता है बैठना और बैठने का अपोजिट है खड़े होना। तो खड़े होने को इंग्लिश में हम कहते हैं स्टैंड। जब टीचर आपको बैठने को बोलती है तो कैसे बोलती हैं? सिट डाउन। और जब वो आपको खड़े होने को बोलती हैं तो कैसे बोलती हैं? स्टैंड अप, राइट? तो ऐसे में आपको याद रहेगा कि सिट मतलब बैठना और स्टैंड मतलब खड़े होना। और यहाँ पर उसको उन्होंने लिख कर भी दिखाया है, ठीक। अब हम शुरू करते हैं अगला वाला। अगला क्या है? P.M. वेल, हम ये डॉट्स को ऐसे बोलते नहीं हैं, हम सिर्फ PM बोलते हैं। PM उसका अपोजिट होता है AM। देखो कहाँ है AM, ये है AM। क्या आप PM और AM का अर्थ जानते हैं? वेल, समय बताने के लिए कि वो समय कौन से पहर का है या कौन से मध्याह्न का है, ये बताने के लिए हम PM और AM का यूज़ करते हैं। PM का अर्थ होता है वो वाला टाइम जो हम दोपहर के 12 बजे के बाद से लेकर आधी रात के 12 बजे तक के लिए यूज़ करते हैं। एक ऐसा समय जिसमें दोपहर, शाम और शुरू शुरू की रात आती है। फिर AM होता है रात के, आधी रात वाला रात के 12 बजे से लेकर दिन के, यानी दोपहर के 12 बजे तक, जिसका अर्थ है कि सारी की सारी रात और सुबह का समय AM के अंदर आता है। जैसे कि जब मुझे बताना है कि शाम के 6 बजे तो मैं कहूँगी 6 PM, या फिर मुझे जब बताना है कि दोपहर के 12 बजे या दोपहर के 2 बजे तो 2 बजे के लिए, दोपहर वाले 2 बजे के लिए मैं 2 PM बोलूँगी। ठीक उसी तरह से जब मुझे सुबह के 7 बजे के बारे में बताना है तो मैं कहूँगी 7 AM। ओके, तो अब आप समझ गए PM और AM का यूज़ हम कैसे करते हैं। ओके, अब हम इसको यहाँ पर लिख भी देते हैं, ठीक है? ये हुआ P.M. A.M. ये हो गया कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज न्यू। न्यू मीन्स नया। अगला शब्द क्या है? न्यू। और न्यू का अपोजिट क्या होगा? नया का उल्टा क्या होता है भाई? नया का उल्टा होता है पुराना। और पुराने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड। क्या बोलते हैं? ओल्ड। तो नया का अपोजिट हुआ पुराना और न्यू का अपोजिट हुआ ओल्ड। ओल्ड कहाँ है ढूंढो तो? ओल्ड इज हियर। देखो गो के बाद क्या है? ओल्ड है। ये हमने
न्यू और ओल्ड को मैच कर दिया और यहाँ पर हम जल्दी से उसको लिख लेते हैं एन ई डब्ल्यू डैश ओ एल डी ओल्ड, ये हो गया न्यू और ओल्ड। ओके अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ई ए आर एल वाई अर्ली, क्या है ये अर्ली। अब अर्ली मतलब पहले या जल्दी वाला, ओके और अर्ली का अपोजिट, अब जल्दी जल्दी का उल्टा क्या होगा, लेट या देर से, है ना। अब लेट तो हम वैसे भी एक इंग्लिश वर्ड है, फिर भी हम उसको हिंदी में भी कॉमनली यूज़ करते हैं, पर वो होता एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। सो अर्ली मतलब पहले या जल्दी, और लेट, ये देखो यहीं सामने लेट लिखा है, तो लेट मतलब देर से, तो हम अर्ली और लेट को मैच कर देंगे, ठीक है, ये हमने मैच कर दिया। अब हम इसको जल्दी से लिख भी देते हैं, ई ए आर एल वाई अर्ली और एल ए टी ई लेट, ठीक, ये हमने लिखा अर्ली और लेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कम, क्या वर्ड है कम, सी ओ एम ई कम का अर्थ होता है आना। अब आप मुझे बताओ कि कम का अपोजिट क्या होगा, आने का उल्टा जाना, यस आने का उल्टा जाना। तो अब जाना कहाँ है भाई, गो कहाँ है, ये है सबसे ऊपर गो, कम गो लिख लें सी ओ एम ई कम, क्या है ये कम, और इसका अपोजिट है गो, जी ओ गो, कम का अपोजिट गो, ये हमने यहीं से स्पेलिंग देखकर लिख ली। ओके नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लव्स, लव्स मतलब प्यार करना या पसंद करना, ठीक है, जैसे उसको खेलना बहुत पसंद था, है ना, वैसे ही इसका अपोजिट क्या है, इसी के जस्ट सामने लिखा है हेट्स, लव्स का अपोजिट है हेट्स। लव्स मीन्स उसको पसंद था, पसंद है, पसंद करता है, उसी का अपोजिट होगा हेट्स, दैट मीन्स उसको पसंद नहीं है या नफरत है। ओके सो हम जल्दी से लिख लेते हैं एल ओ वी ई एस लव्स, एंड अपोजिट वर्ड इज एच ए टी ई एस हेट्स, एंड इट इज डन। आखिरी का वर्ड बचा है हमारे पास, वो है बिफोर, बी फोर, बिफोर मीन्स पहले, और पहले का उल्टा होता है बाद में, यस बिफोर का उल्टा बाद में। अब बिफोर का उल्टा बाद में जो होता है, बाद में को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर। यहाँ पर आफ्टर कहाँ लिखा है, ए एफ टी आफ्टर, आफ आफ आफ, ये है आफ, आफ्टर ए एफ टी ई आर आफ्टर, इसको हम मैच कर देंगे और यहाँ पर हम लिख भी देंगे बी ई एफ ओ आर ई बिफोर ए एफ टी ई आर ई आफ्टर। और यहाँ पर हमारी पहली एक्सरसाइज वर्ड पावर की ख़त्म होती है। आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है, टेक्स्ट बुक में, ओके माय बेबीज। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप मुझे पिक्चर शेयर करेंगे, और ज़रूरी है कि सारी लर्न भी करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड का अपोजिट क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है। ओके बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, कीप लर्निंग।